मुझे ये लगता है कि मुझे एक ज़िम्मेदारी लगती है अभी, क्योंकि मैं कभी कभी मुझे ये लगता था कि यार मैं थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा रेस्ट करूं, लेकिन जब मैं लोगों का प्यार देखता हूं, जैसे अभी ये 3 साल से शो चल रहा था, जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि ये शो बंद हो रहा है, तो जो लोगों ने मुझे फीडबैक भेजा है, लोगों का इतना प्यार लोगों का कि आप क्यों जा रहे हो, आप मत जाइए, सो मुझे ये लगता है मेरी ज़िम्मेदारी हो गई है। मुझे अगर मैं 8 साल से लगातार टीवी कर रहा हूँ और उससे पिछले 6 साल से मैं स्टेज प्ले करता था, ड्रामा करता था, 14 साल से लगातार कर रहा हूँ, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है। हम लोग वापस आएंगे, कुछ और नया लेकर आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोग उसको भी उतना ही प्यार करेंगे जितना इस शो को उन्होंने प्यार दिया। जब हमने शुरू किया था तो हम लोगों ने सिर्फ 26 एपिसोड की एक छोटी सीरीज़ बनाई थी, लेकिन वो करते करते कब 200 के करीब एपिसोड हो गए, हमें भी नहीं पता चला, और अभी भी वो शो नॉन फिक्शन में नंबर 1 चल रहा है। सो अच्छा लगता है जब लोगों का इतना प्यार मिलता है, और बुरा भी लगता है कि मैं बीच में ये शो भी बंद कर रहा हूँ, पर जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग वापस आएंगे और पूरी टीम हमारी साथ है, और हम लोग कुछ अच्छा ही बनाएंगे जो लोगों को हंसाएंगे। मुझे ये ज़िम्मेदारी लगती है, मेरी प्रोड्यूसर वाली सोच नहीं है। जैसे मुझे लगा था कि यार मुझे मेरा शो बाई वीकली है, तो अगर मैं इसको पैसा कमाने के चक्कर में, बटोरने के चक्कर में, अगर मैं इसको बाई वीकली करता हूँ, तो मेरे कंटेंट पे फ़र्क ना आए, मेरी क्वालिटी ना सफ़र हो। सो मैंने खुद चैनल को जाके बोला था कि इसको वंस इन ए वीक करते हैं। सो जब आपकी अपनी चीज़ खुद की बनाई हुई, जब आप ऐसे आपको छोड़ के जाना पड़ता है, तो दुख तो होता है, पर ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। वो मुझे उस चीज़ का कोई वैसा नहीं है कि मेरी टीम सारी मेरे साथ है, और हम लोग एक नया शो बनाएंगे, कुछ और मज़ेदार, वापस आएंगे। जो लोग इतना प्यार करते हैं उनको बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हैं।